चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है गाथा कटिंग के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स हमारे वीडियो में आए थे, जगदीश भाई आप गाथा कटिंग के बारे में एक वीडियो जरूर बनाए। तो आज मैं गाथा कटिंग जो हम बारी की फ्रेम लगाते हैं उसमें जो बारी की फ्रेम से गाथा कटिंग करते हैं उसके लिए बनाया है। तो उसमें क्या किया है, हमारे बाजार में जो डिग्री वाले बहुत सारे मशीन मिल जाते हैं, उसमें ज्यादातर मशीन क्या होते हैं इस तरह से होते हैं, सामने से हम कातरा नहीं लगा सकते, इस तरफ से लगा सकते हैं, जिससे पत्थर की ज्यादा जो कम या ज्यादा रहती है इससे वो माप जो होता है कातरा कटिंग का वो परफेक्ट नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या बनाए, जो हमने वो पहले वाले वीडियो में हमने जो ये सीट बताई थी बड़ी कटिंग के लिए, उस सीट का इस्तेमाल करके और इसको हम इसको पीछे जोड़ देंगे मशीन के नीचे, और इसके बाद हम इस मशीन के द्वारा सामने से कातरा निकाल पाएंगे। तो पहले हम इसको हम मशीन के साथ जोड़ देते हैं, इस तरह से हमको ये बेस सीट लगा लेंगे। अब क्या होगा, इसको ये सीट इस तरह से बड़ी करेंगे। अब हम जो डीसी वाला मशीन आता है उसमें क्या करते हैं, इस तरह से अगर इससे हम कातरा लगाएंगे तो इस तरफ से लगाना होगा अंदर की साइड से, जिसके कारण पत्थर की जड़ाई कम या ज्यादा होगी तो कातरे के जो माप है उसमें फर्क आने का चांस ज्यादा रहेगा। पर इसके लिए हमने ये सीट लगा रखी है जिसके कारण हम यूं सामने से हम कातरा लगा सकते हैं और जो फर्क रहता है माप में न आए इसके लिए हम उपाय अपनाया है। तो अब क्या करना है, इसको हम 90 डिग्री जो 45 डिग्री पर इसको सेट कर लेना है यहाँ से, ये 45 का हमने माप रखा है इसको सेट कर लेना है। अब 45 पे सेट करके अब हम क्या होगा, इसके द्वारा हम यू सामने से कातरा लगा सकते हैं और माप में कोई फर्क आने का चांस नहीं रहता। जो पहला वो जो मशीन हमारे आता है जो डायरेक्ट मारेंगे इधर से पीछे की साइड से, तो क्या होता है पत्थर की ज्यादा कम या ज्यादा होने की वजह से कातरा में जो होता है उसमें फर्क आने का चांस रहता है। तो इसे सामने से कातरा लगाएंगे तो पत्थर के जड़ाई और के कारण जो माप में फर्क आता है वो नहीं आएगा। हमने इसका ऐसा काटखूना बना लिया है। अगर आप ऐसा काटखूना जो बाजार में आता है इसमें क्या होगा, वो चौड़ाई कम आती है इसके लिए, जिसके कारण हम ये सिगरा सिकंजा नहीं लगा पाते, इसीलिए हमने ये अपने खुद से ये काटखूना बनाया। अब क्या होगा, काटने के लिए हम काटखूने से कातरा लगे इसके लिए इसको सिकंजे से कस के बांध देंगे। ये मैंने निकाला है, थोड़ा आपको दिखाने के एकदम परफेक्ट साइज का हमने एक 45 डिग्री वाला फर्मा तैयार कर रखा है। इसके साथ हम इसको सरका लेंगे। अब देखो ये एकदम 45 पे निकलेगा और इससे हमारा काम एकदम चौकस होगा। तो ये कातरा कटिंग की रीत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक्स।